हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट की। ये बेस मॉडल है सिग्मा। तो एक बार इसका वॉक अराउंड देख लो आप कार का। काफ़ी अच्छे इसमें एलॉय डले हुए हैं। देखो थोड़ा पास से देख के, तो बेस मॉडल है ये। फ्रंट से देख लो, काफ़ी अच्छा काम हो रखा है इसमें। थोड़ा साइड में चलें, तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो भाई फ्रंट से गाड़ी का लुक देख लो। ऐसे आपको इसमें कुछ हेडलैम्प मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट हैं। तो बेस मॉडल है तो इसमें सिर्फ अपना नॉर्मल लैंप आता है हेलोजन। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ पे आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। वो यहाँ पे पेंट करा रखा है ब्लैक, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में आपको यहाँ पे एक स्विफ्ट का, मारुति सुजुकी का लोगो दिख जाएगा, वो भी ब्लैक करा रखा है। अच्छा लुक दे रहा है काफ़ी। नंबर प्लेट नीचे कोई भी अपना स्प्लिटर वगैरह नहीं है। जो काम होगा वो हम आपको दिखा देंगे। इसका आपको थ्रो भी दिखा देंगे साइड में, मतलब बाद में। तो साइड में देखो एक बार, तो इसके एलोए आपको मिल जाएंगे 205/50R16। 16 इंच के टायर हैं भाई। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको फेंडर पे इसका वो मिलेगा, फेंडर पे ही इसका इंडिकेटर मिल जाएगा। ORVM पे कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है। बेस मॉडल है, आफ्टर मार्केट करा रखा है, जो काफ़ी अच्छी फिनिश है इसकी। डोर हैंडल आपको कार के कलर के ही मिलेंगे, बॉडी कलर स्मूथ है काफ़ी। क्रोम वगैरह का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। नीचे की तरफ आपको क्रोम की एक बीडिंग दिख जाएगी, जो एक पूरी बैक डोर तक है। ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे रेन वाइजर वगैरह कुछ भी नहीं दिखा है। स्विफ्ट में जो दरवाज़ा खोलने का आता है वो पीछे इस तरफ आता है। यहाँ पे देख लो, इंटीरियर इसका अपना नॉर्मल है, बिल्कुल ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ यहाँ पे आता है, इसको पकड़ के खोल सकते हो। ये भी आपको ब्लैक ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ है कि ब्लैक कलर का सा मिल जाएगा। यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक, बेस मॉडल है। पीछे से देखो तो बीच में यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, मारुति सुजुकी का। स्विफ्ट की यहाँ पे बैजिंग थी वो हट चुकी है। पीछे से यहाँ पे आपको स्पॉइलर दिख जाएगा ऊपर, आई स्टॉप लैम्प। स्पॉइलर आपको ब्लैक कलर का मिल रहा है। ऊपर से एक बार देख लो गाड़ी, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं है कार में। तो भाई ये बेस मॉडल है, इसमें आपको पीछे की तरफ 4 सेंसर्स मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर। नीचे आपको यहाँ पे एक बैक कैमरा दिख जाएगा। 2018 के बाद जो भी स्विफ्ट के वेरिएंट आ रहे थे, बेस मॉडल या टॉप मॉडल ले लो, कंपनी ने वैलिड कर दिया था कि हर उसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसकी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, ऐसी कुछ जो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें बीच में बड़ी सी ऐसे सी टाइप की है, ये देखो इधर से, वो भी हम आपको जला के दिखा देंगे। बूट की बात करें तो बूट ओपन करते हैं कार का। तो ये स्विफ्ट का आपको एक बार बूट दिखाएं। बूट स्पेस तो इसमें है नहीं अभी, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम लगा पड़ा है। तो बूट स्पेस जितना होगा कार का, वो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। बाकी देख लो, बिल्कुल जगह नहीं है इसमें, कुछ नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए एक बटन दे रखा है। पीछे कोई भी आपको मैग्नेटिक बटन नहीं मिलता, ये बेस मॉडल है इसलिए। तो इसको करते हैं बंद, चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे। तो पीछे से, पीछे का डोर जो है कार का, वो कुछ ऐसा दिखता है। देख लो एक बार, थोड़ा पास चल के दिखाएं। तो बेस मॉडल है, इसमें आपको हाथ से ही अप डाउन करनी पड़ेंगी विंडोज़। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और डोर ओपनर मिल जाते हैं, कोई क्रोम वाला नहीं है, नॉर्मल है। कार के अंदर चलें, ऐसी भाई स्विफ्ट की आपको रियर सीट्स मिल जाएंगी। देख लो, ये आफ्टर मार्केट है। पीछे अगर हम बैठ के दिखाएं तो आगे जी भैया है, उनकी हाइट सही है, तो उन्होंने अपने हिसाब से पीछे कर रखी है, फिर भी कार में स्पेस है। तो डोर पे आपको यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आप पकड़ के इसको बंद कर सकते हो। ये बंद हो गया, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। इसका ग्रैब हैंडल देख लो, यहाँ पे सीट्स कुछ ऐसी हैं। बीच में आपको कोई भी यहाँ पे सॉकेट वगैरह नहीं मिलते, बेस मॉडल है फिर से बता रहा हूँ। कप होल्डर मिल जाएगा यहाँ पे एक आपको, तो उस साइड भी सेम है। पीछे कुछ मतलब ज़्यादा स्विफ्ट में दिखाने के लिए नहीं है, आगे चलते हैं। तो एक बार आप इसकी की देख लो,
ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी तो नॉर्मल देती है, फ्लिप की है, करते कार को अनलॉक। तो ये रहा भाई अपनी स्विफ्ट का डोर, देख लो ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, वरना फ्रंट में भी इसमें वही थी नॉर्मल जो अपनी हाथ से करने वाली आती हैं। यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक कर सकते हो, तो ऐसा कुछ इसका डोर मिल जाता है। यहाँ पे देख लो पास से, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है। ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर दिखता है फ्रंट से। तो इंटीरियर में इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, पर जो हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह हुए हैं। तो इंटीरियर में बैठ के भाई हम इसके, तो ये चाबी लगाएं इसकी, ज़रा गाड़ी को करें स्टार्ट। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। देख तो भाई स्विफ्ट बेस मॉडल में तो आपको कोई भी वो देखने को तो नहीं मिलेगा, आरपीएम वगैरह अपनी नॉर्मल आपको दिखेगी। एमआईडी जिसमें आपको स्पीड दे रखी है 200 तक, बीच में पेट्रोल का दिखा रखा है आपको, पेट्रोल कितना है, किलोमीटर दिखा देगी, टाइम दिखा देगी, और हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट वगैरह, डोर ओपन का दिखा देगी, सब कुछ दिख जाएगा। बाकी एक डोर ओपन है पीछे का इसलिए। और नीचे थोड़ा स्टीयरिंग पे आएँ तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं मिलता, बीच में आपको सुजुकी का लोगो दिख जाता है काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा स्टीयरिंग टर्न करें तो यहाँ पे आपको इसकी लाइट्स दिख जाएंगी, थोड़ी सी वो करके दिखाऊं तो देख लो ऐसी कुछ आपको हाई बीम लो बीम दिख गई है आपको। इसकी लाइट्स का थ्रू हम आपको दिखाएंगे एक बार, अभी लाइट्स ओपन करके दिखा दूंगा मतलब जला के। यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, मिस्ट ऑफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, देख लो ये लो। ये आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ देखने को मिलेगी, इससे ग्रिप बड़ी अच्छी हो जाती है, सही लग रही है काफ़ी दिखने में। यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश में मिल जाएगा पकड़ने के लिए। बीच के कंसोल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको डबल इंडिकेटर का वो मिल जाएगा। ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है। और तो भाई यहाँ पे आपको इसका आफ्टर मार्केट स्टीरियो दिख जाएगा। वहीं थोड़ा सा नीचे है तो आपको एसी वेंट्स दिख जाएंगे, मतलब एसी के कंट्रोल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे 4 तक की स्पीड है एसी का एरा, यहाँ से आप तो यहाँ पे इसको इसका ये दिख जाएगा आपको। बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है सामान वामान रखने के लिए। देखो यहाँ पे कप होल्डर वगैरह रख सकते हो, आगे भी थोड़ा सा स्पेस है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है। इस साइड आपको कोई भी ऑक्स वगैरह का नहीं मिलता, थोड़ी लाइट कम है वो माइंड मत करना। यहाँ आपको इसका ऐसा गियर नॉब मिल जाता है जिसमें 5 तक के गियर हैं और एक रिवर्स है। इधर आपका हैंड ब्रेक आ गया और ऐसा कुछ। यहाँ से आपको इसका व्यू मिलता है पूरा, ये इसका पीछे देखने के लिए मिरर, साइड मिरर्स का भी काफ़ी व्यू अच्छा है। एक बार मैं भाई से कहूँगा, वो लाइट जला के दिखाएंगे आगे। तो भाई अभी लाइट दिखाएंगे, एक बार देखो इसमें ऐसी आपको ये मिल जाएगी लाइट। ये बेस मॉडल है, एक बार बंद करेंगे देखो। तो भाई एक चीज देखो, इसमें रेड कलर की लाइट दिख रही होगी आपको प्रोजेक्टर में, देखो ये बहुत सही लग रही है भाई, बहुत ज्यादा सही लग रही है। देखो इससे जो रात में चलेगी और इसका जो लुक आने वाला है ना भाई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल आने वाला है। तो चलते हैं फिर से गाड़ी के अंदर, देख लो पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट कितनी है। आवाज़ कर रहा है, इतनी नहीं कर रहा अंदर, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। लाइट्स का थ्रो आप देख रहे हो कितना अच्छा है। तो एक बार इसकी बैठते हैं पैसेंजर सीट पे। आ गए हम स्विफ्ट की पैसेंजर सीट पे। यहाँ पे आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा जो अंदर तक जिसमें स्पेस है काफ़ी। ये कोई कूल्ड वगैरह तो आएगा नहीं क्योंकि ये बेस मॉडल ही है। आगे यहाँ पे आफ्टर मार्केट है, TRD का वो लगवा रखा है जिस पर फ़ोन वगैरह रख सकें, गिरे ना और भी कुछ। यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा ये क्या कहते हैं फ्लैप। इस पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है ना उस साइड है, जब इस साइड नहीं है तो उस साइड भी नहीं होगा। ये बाहर से लगा रखी है लाइट LED यहाँ पे बीच में देख लो। और ये इधर इसकी पावर विंडो है, बाहर से लगी है जो अच्छा वर्क कर रही है। ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल है, पर सही है इनका, ये सही लगती है। इस साइड भी सेम आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा कुछ रखने वखने के लिए। एक बार बोनट और खोल के दिखाते हैं इसका, स्विफ्ट का बोनट। एक बार भाई अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएगा, देख लो भाई ऐसा कुछ ये इसका इंजन है स्विफ्ट का। देखो तो भाई ये रैव कर रहा है, तो देख लो पेट्रोल इंजन है, बहुत रिफाइंड है। तो बस यही था भाई, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है इंजन की वो स्क्रीन पे लिखी आ रही है। और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।